सड़क किनारे रेहड़ी पटरी पर खाना बनाने को लेकर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने इस सिलसिले में बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ठेले पर छोले कुलचे और चाट के मजे भूल जाइए, 20-30 रुपए में सड़क किनारे पेट भर खाना अब नहीं मिलेगा। दिल्ली में सड़क किनारे खाना बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्ट्रीट फूड भी कई कायदों को ध्यान में रखकर ही बेचा जा सकेगा। अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके तहत अब सड़कों के किनारे जो ठेले लगते हैं उस पे आपको छोले कुलचे वगैरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने कहा है कि जो ठेले लगाए जाते हैं सड़कों के किनारे उस पर खाना नहीं बनाया जा सकता। यानी दिल्ली सरकार की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उस ऑफिस के ठीक बाहर खड़े हैं पटेल नगर में, तमाम लोग खा रहे हैं। सर, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अब शायद आपको ये स्वाद ना मिले जो आप स्वाद अभी ले रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे? हमारे लिए तो सबसे सस्ता खाना यही है। मुश्किल सिर्फ कम पैसे में पेट भर खाना खाने वालों की नहीं है, सबसे ज्यादा संकट में दिल्ली के रेहड़ी पटरी वाले हैं। राजधानी में कुल 5 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं, जिनमें से केवल 50,000 के पास लाइसेंस है। इनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाएगा, इन्हें समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। पर डे की कितनी कमाई है और पिछले 10 सालों से आप रह रहे हो, तो आप उसके बाद क्या करोगे? क्या करेंगे, आम आदमी पार्टी में आ जाएंगे फिर। जैसे सब खा रहे हैं वैसे हम भी खाएंगे आगे। लूट मार होगी बिल्कुल जी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सड़क किनारे खाना पकाने पर पाबंदी होगी। रेहड़ी पटरी वालों को पानी बिजली नहीं मिलेगी। पटरी वाले रास्तों पर कब्जा नहीं करेंगे। पटरी लगाने के 30 मिनट के भीतर जगह छोड़ देनी होगी। आम आदमी पार्टी की सरकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वैकल्पिक इंतजाम किए बगैर फैसला कैसे लागू कर दिया जाए। आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज़।